शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शकों, नागपुर का हॉटस्पॉट बना नागपुर के कई ऐसे इलाके हैं जिस क्षेत्र से कई कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिले, जिसके चलते नागपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 281 बताई जा रही है। तो वहीं 71 लोग ऐसे कोरोना निगेटिव भी पाए गए हैं। जी हां, आज मेयो अस्पताल से 5 लोग कोरोना निगेटिव मिलने से शहर के लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। कोरोना वायरस इस महामारी ने अब तक शहर के 3 लोगों को मौत की नींद सुला दी है। कोरोना वायरस के कई संदिग्धों की जांच मेयो और मेडिकल अस्पताल में की जा रही है। अब तक शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 280 है, जबकि कोरोना मुक्त मरीजों की संख्या 70 है। ऐसे में आज मेयो अस्पताल से और 5 मरीज कोरोना के निगेटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी निगेटिव आए मरीज सतरंजीपुरा के हैं। इनमें से एक की उम्र 27, एक 57 वर्ष, 2 24 वर्ष और 2 18 की उम्र के, ऐसे कुल मिलाकर 5 व्यक्ति कोरोना निगेटिव आए हैं। इन सभी को मेयो अस्पताल ने उनके घर भेजा है। इस बारे में मेयो के डॉक्टर सागर पांडे, इन्होंने जानकारी दी। आज 9 मई 2020 को इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय IGGMC में हो, यहाँ से कुल 5 मरीज जो है वो डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। ये 5 मरीज सतरंजीपुरा क्षेत्र के रहने वाले, इसमें एक 57 वर्षीय पुरुष, 2 27 वर्षीय पुरुष, एक 24 वर्षीय और एक 18 वर्षीय पुरुष का समावेश है। इसमें से एक 24 वर्षीय पुरुष जो थे वो ग्रुप डी कैटेगरी में आते थे, जिन्हें न्यूमोनिया था बट विदाउट रेस्पिरेटरी फेलियर। उनका जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट और अन्य सभी विभागों द्वारा जो है पूरी तरह से जाँच की गई और आज वो स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं। एक 24 वर्षीय पुरुष जो है, उनके 2 रिपीट सैंपल 14वें और 15वें दिन के पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद 6 दिन का गैप दिया गया और उसके बाद में अभी उनके 7 और 8 तारीख को जो नमूने लिए गए वो निगेटिव आने के बाद में उन्हें भी जो डिस्चार्ज किया जा रहा है। अन्य 3 मरीज जो है उनके भी दोनों सैंपल 7 और 8 तारीख जो है निगेटिव आने के बाद में आज उन्हें डिस्चार्ज दिया जा रहा है। इस बारे में माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर केवलिया सर, माननीय वैद्यकीय अधीक्षक हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रवि चौहान सर, इनके मार्गदर्शन में एवं मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर मृणाल हरदास, इनके मार्गदर्शन में पूरी तरह से जो है मरीजों का इलाज किया गया है। और हम माननीय विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार सर, माननीय जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र ठाकरे सर, माननीय महानगरपालिका के आयुक्त मुंडे सर, माननीय पुलिस आयुक्त उपाध्याय सर, इन सभी के आभारी है कि हर संभव सहायता हमें की जा रही है। हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर संजय मुखर्जी सर और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर तात्याराव लहाने सर पद्मश्री, इनके द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से डेली अपडेट लिया जा रहा है एवं हर संभव सहायता के साथ में पैनी नज़र हर चीज़ों पर रखी जा रही है। थैंक यू। कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हुई है, हर चीज़ की ट्रीटमेंट मिली और यहाँ से हमको बहुत जल्दी आराम हुआ। हम लोग 14 दिन में अपने घर पहुँच गए। यहाँ पे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, हर चीज़ की सुविधा मिली, डॉक्टर से लेके हर चीज़ देते, सबने है हमारा सहयोग कर, कोई चीज़ की तकलीफ अच्छा हुआ, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। कोरोना महामारी से ये जंग जीतने के लिए मेयो अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जी जान से काम कर रहे हैं, उन्हें सलाम। कोरोना महामारी से नागपुर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 280 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 70 लोग अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इसी क्रम में मेयो अस्पताल से 8 और सतरंजीपुरा के 5 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं, ऐसी पुष्टि डॉक्टर ने की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।